एक तबका हमारे जो हला का है आवाम का है उनमें वाक यह है कि बुरादा मानिए शिर की कोई शक्ल नहीं है कि जो मुशरकन अरब में थी और उनमें नहीं वो दीन से उतनी तरह दूर हो चुके हैं कब और कबोरा मुशर मत मिले बिल्कुल वही कैफियत उनकी है जो कबर को पूज रहा हो जो ताजिए को पूज रहा हो जो उर्स ही उसका कुल दीन है सिवाय इनके कोई दीन से सरोकार नहीं रहा आखिर कौन सा फर्क रह गया है सिवाय इसके बारह काफिर नहीं कहेंगे कल मैं शहादत अदा कर रहे अरदुल्ल अशदअल्ला रसूल इस एतबार से कानून इस्लाम के दायरे में है वो मामला आलहदा है लेकिन हकीकत के एतबार से बताइए कि वो और क्या करते थे उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा लात और उजा और रुजारबल ने कायनात पैदा की है जब उनसे पूछा जाता था वाला इंसानता हूँ मन खरात कसम ए नबी अगर आप इनसे पूछेंगे आसमान और जमीन किसने पैदा किए फौरन कहेंगे अल्लाह ने पैदा किए ये फेतरी तोहिद उनके अंदर भी थी वो भी ये कहते थे कि इन देवियों देवताओं में कुछ नहीं है सिर्फ अल्लाह का अता करदा इख्तियार है इनके पास यही आज हम कहते हैं अलिया अल्लाह हो जिनको भी पूजा जाता है जिनके बाजारों की परस्तिश की जाती है इनको अल्लाह ने दे रखा है इनके हाथ में है इनसे हम मांगते हैं तो दरहकीकत अल्लाह ही से मांगते हैं इनके पास दिया हुआ वही कुछ है जो अल्लाह ने इनको दिया है और हम इनके अगर करते हैं तो दर हकीकत इनकी शफात की उम्मीद है यही बात वो कहते थे कि दर हकीकत ना बदम जुलफा हम ये चाहते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब तर कर देंगे इनके साथ थोड़ी बहुत अगर हम डंडवत करेंगे तो ये हमें अल्लाह से मिला देंगे ये सारे तसव्वुरात वही हैं सिवाय इसे एक फर्क के कि मूर्तियां बनी हुई नहीं है आज कब्रों का वही मकाम है कि जो मूर्तियों का था उस वक्त और इसके सिवा सरे मुन कोई फर्क नहीं